तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। यो दिस इज मी जिनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बिग बॉस के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक निज भाई की जैसे, जिसको बिग बॉस से कोई लेना देने नहीं है, कब आएगा कब चल जाएगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसको नहीं है मतलब। एक होते हैं अरमान की तरह के, बहुत ही शाणे लोग, इतने शाणे जितने शाणे कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। बहुत शाणे लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं ऐसे, मतलब हम ही हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हमें मास्टरमाइंड। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। आप लोगों ने वो गाना सुना था कि एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, वो गाना अरमान मलिक को देख के बना हुआ है। मेरी माँ मेरे को गुड्डू बोलती है। गुड्डू मुझे मेरे बच्चे ने पापा बुलाते हैं प्यार से। मीन्स अरमान मलिक ये कहना चाहते हैं कि प्यार से उसके बच्चे उसको पापा बुलाते हैं और गुस्से में ये बोलते हैं ओ नीच इधर आ, देर से बैठ के बात करेंगे। मीन्स यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके बच्चे आपको बाप नहीं बोलेंगे तो क्या पड़ोसियों को बोलेंगे। एल्विश की पर्सनैलिटी ही रिलेट कर पाएगी कि खुद का नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी ये रहेगा ये एल्विश का दोष वो है। कटारिया अपना फेम नहीं बना पाएगा कि मैं कटारिया हूँ। भाई इस बंदे को एल्विश यादव से पता ही नहीं क्या ही दुश्मनी है। इसका ये है मैं चैन से नहीं जीऊंगा तो दूसरों को भी नहीं जीने दूंगा। भाई एल्विश यादव का हो गया, वो पिछले सीजन में था और वो जीत भी गया। भाई ये इंसान मानता है कि इसका खुद का वजूद एल्विश यादव के ऊपर चल रहा है। इसके पास पूरे दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक एल्विश यादव के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। इसको हर वक्त अपने पिताजी की बात करनी होती है। यहाँ के तुमने बड़े बड़े बातें की है कि मेरे दोस्त का इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त दोस्त विशाल था, बाय द वे आपको पता है ना, विशाल था। विशाल तो दोस्त है। एक मिनट, अदनान मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ जब मैं बात कर रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, या मैं कोई रील नहीं बना रहा हूँ या 30 सेकंड का। अदनान भाई को ऐसे लगता है कि वो 25 दिन का एपिसोड देख के आए तो उनको पता कौन कैसा है। मतलब ये बंदा इतना पागल है ना कि ये चाहता तो ये अच्छा गेम खेल सकता था एल्विश यादव की तरह, वैसे तो कोई खेल नहीं सकता। देखो राजा होता है एक और वो है, बात तो सही है। देखो हर वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव नहीं होता, हर वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव की तरह जीत नहीं सकता। भाई एल्विश यादव अलग इंसान है, वो बहुत ही अलग इंसान है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। ये भाई बंदा अदनान है ना, अदनान अपना वो एल्विश यादव समझ रहा है कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा और ट्रॉफी ऐसे की ऐसे लेके आ जाऊंगा। भाई तो एल्विश यादव नहीं है, तो उसकी तरह बनने की कोशिश मत करे भाई, वो इंसान ही अलग है। उसके साथ लोगों की इमोशन सेंटिमेंट सब जुड़े हुए हैं। तेरे को देख के इंसान ना गाली बकने के अलावा और कुछ ना करे। जो मन में होगा वो सच सच बोलोगे? यस सर। आर यू श्योर? थैंक यू। यस सर। थैंक यू। क्यों बोल रहे भैया, नजदीक आ, इतना दूर क्यों जा रहा? अभी से दूर जा रहा तू, हाँ तो अंदर जाके क्या करेगा? अंदर तो अभी आपके सामने सीधा खड़ा है, कुछ हिल क्यों रहा है इतना? एक तो भाई ये अदनान 00007, इस बंदे को ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता और इसको चाहिए बिग बॉस की ट्रॉफी। अनिल कपूर सर सामने खड़े हैं, हाँ सबको पता है कि किंग एक ही है, जीतेगा इस बार अदनान शेख। अरे भाई तू सीधा खड़ा तो हो जा, खुद चलने के लायक नहीं है, इसको चाहिए बिग बॉस की ट्रॉफी। ये अभी तक का सबसे पहला और आखिरी वाइल्ड कार्ड होगा जो ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया। अदनान ब्याह को लग रहा था मैं तो बिग बॉस की ट्रॉफी जीतूंगा। भाई बंदा एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया, एक हफ्ते के अंदर अंदर वापिस आ गया। और भैया का जिगरा, मैं तो लोगों के दिल जीतने गया था। भैया हारने के बाद लोग यही बोलते हैं, जब उनकी ट्रॉफी आती नहीं आती ना तो इंसान के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं। और आपने अभी तक के जितने भी बिग बॉस से निकले हुए ना, नए इस सीजन के पुराने सीजन के भी, वो लोग निकलने के बाद यही बोलते हैं कि भैया हमने तो लोगों के दिल जीत लिए, ट्रॉफी जीतने जीते लोगों के दिल जीत लिए, क्योंकि पता है वो लोग नहीं है ट्रॉफी जीतने के लायक, जो थे वो जीत गए। हमको ट्रॉफी चाहिए भाई। बिग बॉस में ना कभी कभार इंसान ऐसे सोच लेता है ना कि मैं यूं जाऊंगा और यूं ट्रॉफी लेके आ जाऊंगा, ये नहीं पता कि अंदर भी लोग हैं और उससे डेढ़ शान है। मकसद याद आ गया। मेरे को कभी कभार नेसी भाई को देख के और उनकी मतलब ड्रेसिंग को देख के ऐसे लगता कभी कभार ना कि भाई ये बंदा आतंकवादी है या आतंकवादियों से मिला हुआ है। आतंकवादी इस बार बिग बॉस के अंदर है, आतंकवादियों का बिग बॉस का आतंकवादी।
मैं बहुत पावरफुल बनने वाला था, इसी दौरान मैं गायब हो जाता हूँ। नेजी भाई अपने आप को मतलब फ्यूचर का इंसान समझते हैं, कोई जादू कोई टोटका समझते हैं कि मैं आया हूँ फ्यूचर से टाइम मशीन के द्वारा, मैं एक अलग इंसान हूँ। सारी गालियाँ इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है, और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अंदर अपनी गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, ट्रॉलिंग संभालो, लोगों की गालियां सुनो, बच्चों के ऊपर बद्दुआ सुनो, तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती। मैंने सोच लिया बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके, हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। पायल मलिक का सही है, इसको जब जो चाहिए होता ना वो लोगों से मिल जाता है। इनके बताऊं क्या है, अगर इनको रोना भी है ना तो ये ऐसे रोएंगे अरमान ने मेरे को आज ना पागल बोल दिया, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लोग अब कुछ समझते ही नहीं है कि दो पत्नियां एक साथ में कैसे रह सकती है, हमें पता ही कि ये इंडियन लॉ के हिसाब से गलत है, पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना हो जाए। पायल मलिक अपने आप को बाहरी दुनिया का मास्टरमाइंड समझती है, ये जब चाहे तब फैमिली कार्ड दिखा देती है, जब चाहे तब वुमेन कार्ड दिखा देती है। भाई ये बंदी पता नहीं क्या ही चाहती है, इसके पास पैसे आ रहे हैं, छाप रही है एकदम बढ़िया तरीके से, फिर भी इसकी जिंदगी सही नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि इसने अपनी दोस्त को 7 दिन अपने घर में रहने की जगह दे दी। भाई पायल मलिक से अच्छा तो उर्फी जावेद है, कम से कम वो अपनी यूनिक ड्रेसिंग सेंस तो दिखाती है। अच्छा पायल मलिक को देखने में सिर्फ सामने वाला इंसान डिप्रेशन में जाता है, पायल मलिक के व्लॉग देखने के बाद में दूसरा इंसान सोचने लग जाता है कि मैं अपने दोस्त पे ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्या पता वो मेरे पति लेके भाग जाए, क्या पता मेरा बच्चा लेके भाग जाए। पायल मलिक और पायल मलिक के फैमिली जो है ना अरमान और कृतिका, इनकी वीडियो देखने के बाद इंसान को लगता है या तो मैं गलत हूँ जो मैंने इनकी वीडियो देखी, या ये गलत है जो ये अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर है, इन्होंने अभी तक वीडियो बनाना बंद नहीं करा और मेरे पसीने बंद नहीं हो रहे, इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग एक सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में बटन है प्लीज क्लिक कर दो, देख लो इतनी गर्मी में इतने पसीनों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। चंद्रिका अबाउट विशाल आफ्टर इवेट, वो रहने के लायक नहीं उस घर में, उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। खुशी की बात बताऊं, वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस से बाहर हो गई। ये रहने के लायक भी नहीं थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अदनान वीकेंड के वार पे अनिल कपूर को बोल के गया था कि लोग जो गॉसिपिंग करेंगे ना मेरे बारे में तो ऑडियंस को अपना पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, लोग मतलब जल जाएंगे मेरे से, ऐसे समझेंगे कि राजा आ चुका है, ये है वो है, मतलब ऐसे एटीट्यूड में चल रहा था वो बिल्कुल ही, बिग बॉस के अंदर झाड़ू लगा रहा। बताओ ये एटीट्यूड है, ये करने गया था, इससे बढ़िया तो घर में कर लेता अपना। अदनान नहीं कचरे वाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अदनान भाई बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, बिग बॉस से अच्छा तो आप अपने घर पे ही थे, कम से कम वहाँ प्राइवेटली गाली खा रहे थे, अब आप पब्लिकली गाली खा रहे हो। क्या कहना चाहते हो? अपने दूध में से दूध, अपने दूध में से चाय बना के दे रही हूँ है, और मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। कृतिका दीदी ये आपका सोशल मीडिया नहीं है, जो आप कुछ भी बक दोगे, ये बिग बॉस है, थोड़ा अपने शब्दों को कंट्रोल में बोला करो, क्योंकि कुछ का कुछ मतलब निकल जाता है, फिर आप लोगों को बोलोगे बाहर निकल के मैंने ऐसे इंटेंशन में नहीं बोला था, गलती से मुंह से निकल गया। आग में घी डालना, लाफिंग वाला इमोजी। सोचते थे कि नहीं वो बहुत अलग है। मैं कैमरे से बात कर रही हूँ। नेजी वो पहला लड़का होगा, मैंने किसी को हग नहीं किया होगा, उसको हैक करके जाऊंगी। ये मेरा देवर है, आज तक देवर नहीं बनाया किसी को, देवर बन गया। अरे तू वो भाई है जिससे मैं कोई बात शेयर नहीं कर पाती, कर दूंगी। हद है, तुम नहीं पाला इसको, इनकी रिश्तेदारी किसी भी बात की। इसके बाद में तो दम है। बॉस की दो इंसान की लड़ाई हो रही है और वहाँ शिवानी ये बोल दे, शिवानी भी यार कभी कभार ना आग में घी डालने वाला काम करती है, सच में इंसान को इस हद तक मैनिपुलेट कर लेती है कि वो लड़ ले इना, मतलब क्यूट वे, गाली गलौज नहीं आराम से। नेजी वो पहला लड़का होगा जिसे हक करके जाऊंगी। बिग बॉस OTT सीजन 3 9 गांजा फूकने का अड्डा।
रानी मेरे साथ माल फूक ले। ऐसा तो बिग बॉस वाले बहुत बोलेंगे कि शराब ये है, गुटखा खाने से ये होता है, कैंसर होता है, फलाना होता है, धिमकाना होता है। मन उसी वक्त दूसरी अदर हैंड कि बिग बॉस ने गांजा फूकने के लिए एक अलग से कमरा बना रखा है और रणवीर भाई तो नहीं खुले में गांजा फूकूंगा, गांजा फूकने का अड्डा है। एक तरफ बिग बॉस खुद कहता है कि मतलब शराब गुटखा ये सब सिगरेट वगैरह पीना सेहत के लिए खराब होता है, और दूसरी तरफ इन्हीं सब चीजों को करने के लिए एक अलग से रूम प्रोवाइड कर रहा है। बिग बॉस आप कहना क्या चाहते हो लोगों को पहले तो ये बताओ। बात तो सही है। इसको दौरे आते हैं क्या? शिवानी को इस वक्त लग रहा होगा कि बहुत ही क्यूट लग रही हूँ मैं, पर इसको क्या पता कि ऐसे लग रहा है कि इसको अभी अभी मुर्गी के दौरे पड़े हैं और किसी ने इसको स्विमिंग पूल में धक्का दिया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसे लगी। मिलता है आपसे बहुत जल्द बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यो दिस इज मी जिनी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।